Make sure to like the video, subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss an update. दोस्तों कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है यहाँ पर आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं हम हमारे एंड्रॉइड डिवाइस में यानी सैमसंग ओप्पो वीवो चाहे कुछ भी डिवाइस में हम क्या करते हैं। ज़्यादातर लड़कियां क्या करते हैं और बहुत सारा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं फ़ोटो को एडिट करने के लिए। और आज यहां पर हम एप्पल की एक जो कैमरा है वो कैमरा एंड्रॉइड वर्जन में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं और कमाल के पिक्चर आप खींच सकते हैं वो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फिलहाल बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, अगर आपको किसी भी तरह के सवाल है, सुझाव है और किसी भी तरह का वीडियो को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई इस तौर पर एक वीडियो बना दो, तो हम सभी को बहुत हेल्प हो जाएंगे। तो आप ये जो नंबर है 7076552706, ये जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों चलिए फिलहाल आज का वीडियो शुरू करके आपको दिखा देते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं ये एप्लीकेशन। तो फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले बता दूं वही आप सभी देख रहे हैं स्टार्क टेक्नोलॉजी और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह रोनी स्टार्क। तो चलिए फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्क टेक्नोलॉजी। दोस्तों एप्पल के जैसे कैमरा यानी एप्पल iOS वर्जन के जैसे कैमरे आप अपने सैमसंग डिवाइस में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको जो करना है ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल होना चाहिए। दोस्तों हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसका लिंक है, हमारे वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे उस लिंक से और ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड बेशक आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं आपको इसको रिव्यू करके बता देता हूँ कैसे कैमरा है और कैसे आपको लगते हैं। तो ये हमारा मैनुअल कैमरा है, इसको करते हैं ओपन। तो दोस्तों जैसे ही हमने ओपन किया तो दोस्तों ये देखिए मेरा मैनुअल कैमरा जो है ये कुछ इस टाइप्स का आपको लगेंगे। और फिलहाल अगर हम बात करें इसका फ्रंट कैमरे की तो ये रही आपके फ्रंट। तो दोस्तों फ्रंट में आपको ऐसे लगेंगे, ये मेरा जो ओरिजिनल फेस है ये मेरा वो फेस है, ठीक है। तो मिला फिलहाल मैं छत पर हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो आपको फेस दिख रहे हैं और ये है फ्रंट के कैमरा मेरा ओरिजिनल कैमरा। तो इसको कर देते हैं बैक। चलिए बैक करने के बाद यहाँ पर ये कैमरा है, चलिए इसको करते हैं ऑन। और इसको ऑन करते ही आपके सामने भाई ऐसे कुछ इंटरफेस आ जाते हैं। ये देखिए ये है इसका बैक कैमरा, ठीक है। ये बैक वर्जन है, ये बैक कैमरा यानी आपके जो ओरिजिनल कैमरा है ये बैक वर्जन में ऐसे दिखाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा है, स्लो मोशन में काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो फिलहाल अभी जारी है, ठीक है। तो चलिए इसका जो फ्रंट कैमरा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्लो इसलिए दिख रहे हैं कि हमारा रिकॉर्डिंग सिस्टम फिलहाल जारी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने कुछ पिक्चर शूट किया था ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देख लीजिए कुछ पिक्चर्स है यहाँ पर, ये सभी पिक्चर्स मैंने इसी कैमरा से शूट किया है। और ये जो पिक्चर है ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी देते हैं और आप सच में ये कमाल के क्वालिटी देते हैं। तो चलिए बैक करके मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे आपको काम करते हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके फॉन्ट, तो फॉन्ट पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरा जो फेस है पहले कैसा था और अब आपको कैसे लग रहे हैं ना। तो पहले आप मेरा जो ओरिजिनल कैमरा था उसके हिसाब से ये जो कैमरा है काफ़ी अच्छा है। मेरा फेस पर जो यहाँ पर जो मॉइस्चराइजर था और यहाँ पर क्या बताऊँ काफ़ी अच्छा क्वालिटी है इस कैमरे की। अगर आप यहाँ पर पिक्चर खींचते हैं जैसे कि ये देखिए ये पिक्चर अगर आप खींचते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं और ये आपके पिक्चर रहते हैं आपके फ़ोन मेमोरी पर, गैलरी पर भी आप देख सकते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा ऑटोमेटिक एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपके लिए ढूंढ कर निकाला iOS का कैमरा जो होते हैं एप्पल का कैमरा। तो यहाँ पर से आप वीडियो भी शूट कर सकते हैं, वीडियो भी बेशक आप शूट कर सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में हम नहीं जाते हैं क्योंकि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये देखिए स्क्वायर भी इसके अंदर है और यहाँ पर फ्लैश है, अगर आप चाहें तो फ्लैश को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर टाइमर है, अगर आप चाहे तो टाइमर को भी सेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये सारा ये जो कैमरा है ये आपको बहुत पसंद आएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर और भी सारे बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स आपके साथ साथ आ जाते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं बहुत सारा इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि ये जो है कैमरा स्लो में काम कर रहा है क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो फिलहाल स्क्रीन रिकॉर्डर के ज़रिए बन रहे हैं, इसलिए दो बड़े बड़े एप्लीकेशन चल रहे हैं हमारे फ़ोन में फ़िलहाल, इसलिए फ़ोन स्लो काम कर रहे हैं। और भाई सैमसंग का ही फ़ोन है तो क्या और स्पीड में काम करेगा, और काफ़ी रैम भी कम है फ़ोन का। तो फिलहाल इतना ही मैं आपको बताने वाला था, तो बैक करते हैं और बैक करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ
ये जो एप्लीकेशन है आप ये डाउनलोड कर लीजिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आपको सही तरीके से मिल जाएंगे। और मुझे उम्मीद है ये बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए ये कैमरा, तो प्लीज़ यूज़ कीजिए, यूज़ करके हमें बताइए कैसे लगी आपको वीडियो। और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सकें। और दोस्तों यहाँ पर हम नंबर भी प्रोवाइड करते हैं आपके लिए, आप तो जानते ही हैं। तो थैंक यू सो मच आपके कीमती समय इस वीडियो में देने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया है। अगर आपको वीडियो को पसंद आते हैं तो एक लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों अगर आपको नहीं पसंद आते हैं तो डिसलाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों एक कमेंट जरूर कर देना क्योंकि हम हमारी गलतियाँ को सुधार सकें। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा देना, क्योंकि हम चाहते हैं सबसे मज़ेदार वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को इन तक देखते रहने के लिए। ये दोनों वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाली है फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो, बने रहिए, देखते रहिए स्टार्क टेक्नोलॉजी।